स्टूडेंट्स आज दे इस वीडियो दे विच इस वीडियो लैक्चर दे विच मैं तुहानू नंबर सिस्टम बारे पढ़ावांगा कि नंबर सिस्टम की हुंदा है। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बड़ा बेसिक टॉपिक है जिहड़ा अज असी स्टार्ट करन जा रहे हां। ते इहदे विच की हुंदा कि साडे कोल जे आपां गल करिए हिंदू अरेबिक सिस्टम दे विच 10 डिजिट्स हुंदे ने जिहड़े 0 तों स्टार्ट हो गए 9 तक जांदे ने। ठीक है, 10 डिजिट्स ने जिदा 1 2 3 4 आपां इहनूं की कहोंगे डिजिट्स कहोंगे। तो फिर नंबरस नंबर की होया अ नंबर इज़ डिनोटड बाय अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। जिदा नंबर की है 43 लिखता ये की है नंबर है। ठीक है, ये की है नंबर है। तो इहनूं असीं की कहने हैं कॉल न्यूमेरल। ठीक है, इहनूं कहने न्यूमेरल कहने हैं। हुण नंबर ते न्यूमेरल च की फर्क होएगा। नंबर नूं आपां एक्सप्रैस करांगे विद डिजिट्स। ठीक है, नंबर इज एक्सप्रेस्ड विद डिजिट्स वाइल अ न्यूमेरल इज अ वर्ड डिस्क्राइबिंग अ नंबर। जिहड़ा नंबर नूं डिस्क्राइब करदा पिया है, जिहड़ा नंबर नूं डिस्क्राइब करदा पिया है। ठीक है, उस तो बाद देखो कि आपां अक्सर जदों आपां छोटी क्लासेस दे विच पढ़े आ उदों ये चीज़ां आपां पढ़ियां होईयां ने सारियां कि एक न्यूमेरल दित्ता होया है ते उहदे विच इह देखणा कि किहड़े नंबर मान लो कि ये नंबर मेरे को गिवन है। ठीक है, सपोज करो 2330917 एक मेरे को नंबर है। ठीक है, इहदा जिहड़ा सब तो पहला डिजिट होएगा उन्हूं की कहांगे यूनिट्स। ठीक है, इहनूं की कहांगे यूनिट्स कहांगे जां इहनूं कहदा कि यूनिट डिजिट। फिर आ जाएगा टेंस, फिर आ जाएगा हंडर्ड्स। ठीक है, इहदा मतलब की है कि इहनूं आपां कह देंगे 10। इहदी इह जिहड़ा वा किन्ना 9 नूं आपां किन्ना मल्टीप्लाई किया 100 दे नाल। आ देखो जे आपां इत्थों तक की गल करिए कि आ गया 100 × 9 = 900 ते 10 × 1 = 10 ते 7 नूं आपां 1 दे नाल क्योंकि यूनिट की गल करते पे आ 7 किन्ना मल्टीप्लाई हो गया 1 दे नाल। ठीक है, ते इहदा की आ जाएगा 7 आ जाएगा की बन गया साडे कोल नंबर बन गया ना 917 बन गया। मतलब हरेक उहदी जिहड़ी प्लेस होएगी उहनूं आपां नाम दित्ता होया है। ठीक है, जिहड़ी भी उहदी नंबर की पोजिशन होएगी उहनूं आपां नाम दित्ता होया जिहड़ा डिजिट जिथे हैगा वा उहनूं उहदा नाम दित्ता होया। ठीक है, इहनूं कह देंगे यूनिट्स टेंस हंडर्ड्स थाउजेंड्स 10,000 लैक्स एंड 10 लैक्स। ठीक है, जे आपां पंजाबी च गल करिए पंजाबी दे विच इहनूं की कहिंदे हुंदे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दे हज़ार लख दे लख। ठीक है, इस तरीके दे नाल करोड़ दे करोड़ है ना अगे दी अगे जिहड़े आ उह आपां गिणी जांदे ही। ठीक है, ये सिर्फ उस चीज़ नूं मैं तुहानूं दस्सिया है कि किहड़े नंबर किहड़े स्थान दे उत्ते जां किहड़ी पोजीशन दे उत्ते जिहड़ा नंबर इहनूं की कहांगे। ओके, नैक्सट आ जांदी है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की हुंदी है ते फेस वैल्यू ते प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू नूं असीं लोकल वैल्यू भी कहिंदे आ, प्लेस वैल्यू नूं आपां लोकल वैल्यू भी आखदे आ। ते जिहड़ी फेस वैल्यू हुंदी है किसे भी न्यूमेरल दे विच, ठीक है, डिजिट इन अ न्यूमेरल इज इट्स ओन वैल्यू। जिहड़ी उहदी वैल्यू होएगी जिहड़ी उहदी अपनी वैल्यू आ उही जिहड़ी उहदी फेस वैल्यू होएगी। ठीक है, जिथे मर्जी उहनूं रख्या होया है जिथे मर्जी मान लो वट एवर प्लेस इट मे बी किते भी मतलब जेकर उहनूं लिखिया होया है ते उह जिहड़ा अपना जिहड़ा डिजिट होएगा उही मतलब कह लो कि उही उहदी जिहड़ी वैल्यू होएगी। ठीक है, इहदे विच मैं फेस वैल्यू ते प्लेस वैल्यू भी की हुंदी है। प्लेस वैल्यू उह हुंदी है जिहड़ी डिजिट इन अ नंबर। ठीक है, ये मैं तुहानूं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना वा, एग्जाम्पल के नाल दस दिना। जिदा मेरे को वैल्यू है दिती हुई है की है 6872 ये हम 2 की जी फेस वैल्यू होएगी 2 ही होएगी। 7 की फेस वैल्यू 7 ही कहांगे, 8 की फेस वैल्यू 8 ही कहांगे ते 6 की फेस वैल्यू जी 6 ही होगी। ओके, जो आप प्लेस वैल्यू की गल करिए तो एक ही यूनिट्स। ठीक है, इस करके की आ जी प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ कितनी आ गई है 2। हुण 7 दे विच मैं तुहानूं की कहा 10, इस करके जिहड़ी प्लेस वैल्यू होएगी 7 दी 7 नूं मैं 100 दे नाल मल्टीप्लाई करदांगा, इस करके ये की आ गया 70 आ गया। उस तों बाद आ जांदा 8 ते 8 दी जिहड़ी प्लेस वैल्यू है वह की होएगी उहनूं तुसीं 100 दे नाल मल्टीप्लाई करा दो की आ जाएगा 800 ते 8 दी प्लेस वैल्यू किन्नी आ गई 800। ठीक है, नैक्सट जे 6 की गल करिए 1000। ठीक है, तो इनू 6 नूं मैं 1000 दे नाल मल्टीप्लाई कराता एक ना आ गया 6000। ठीक है, इन्हों तुसीं सारे नूं भावें प्लस कर लो उही नंबर बन जाएगा 6000 800
70 तो 2 इनू प्लस करके वो सेम वैल्यू जी साढ़े को आ गई। ठीक है, ये तुहानू इहदा पता लग ही गया है कि की हुंदी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू नू लोकल वैल्यू कहिंदे आ, ये तुसीं थोड़ा ध्यान च रख लियो। ओके, आउंदा किस तरीके का सवाल ये अक्सर कि वो पूछ लैणगे जिहड़ा 8 आ, 8 दी प्लेस वैल्यू तो फीस वैल्यू के डिफरेंस दस दिओ। तुसीं की करना 800 माइनस 8 कर देना, 792 जिहड़ा इहदा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 800 की है प्लेस वैल्यू है तो 8 की है फेस वैल्यू है, इन्होंने दोवों के डिफरेंस उन्हें पूछा, डिफरेंस तुम आंसर देता है। ओके, हुण कि नंबरस होंगे ने वो आप देख लीए, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबरस। सब तो पहला आएगा नैचुरल नंबरस। नैचुरल नंबरस कि होंगे ने जिन्होंने असं काउंट कर सकते हैं, उन्होंने असं की कहेंगे नैचुरल नंबरस कहेंगे। काउंटिंग नंबरस आर कॉल्ड नैचुरल नंबरस। ठीक है, ये 1 तो स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव ही रहेंगे तो 1 तो स्टार्ट होंगे। ठीक है, हुण फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई भी चीज़ है उनकी आप गिनती करते हैं। ठीक है, 1 कह देंगे कि मेरे को एक पेन है, मेरे को एक कापी है, मेरे को एक किताब है। ठीक है, मेरे को जे इन जगह पर मैं 0 लिखता, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मेरे को 0 कापी है, मेरे को 0 पेन है। मैं इतने ये वर्ड यूज़ कराँगा, मेरे कोई भी कापी नहीं है, मेरे कोई पेन नहीं। ठीक है, यदा मतलब की आ कि नैचुरल नंबरस वो होंगे जिन्हों की गिनती की जा सकती है, जिन्होंने अं गिन सकते हैं। काउंटिंग नंबरस आर कॉल्ड नैचुरल नंबरस। दैन आप गल करते हैं होल नंबरस की। होल नंबरस के होंगे आल काउंटिंग नंबरस एंड 0 फॉर्म द सैट ऑफ होल नंबरस। जेडे 0 तो स्टार्ट हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफिनिटी कह लो कि वह सारे नंबर किहड़े होणगे, होल नंबरस होणगे। किहड़े नंबरस होणगे, होल नंबरस होणगे। ठीक है, जिहड़े काउंटिंग नंबरस ने वह नैचुरल नंबरस ने, जिहड़े होल नंबरस ने वह 0 तो स्टार्ट होणगे। नैक्सट आ जाते हैं इंटीजरस। ठीक है, इंटीजरस किहड़े होंदे ने? ठीक है, इंटीजरस होंदे ने आल काउंटिंग नंबरस, जिन्ने भी काउंटिंग नंबरस ने ये 0 भी इनकलूड कर लिए, तो ये नैगटिव काउंटिंग नंबरस भी आप इनकलूड कर लें, नैगटिव नंबरस भी इनकलूड कर लेंगे, तो ये की होंगे, इन्हों कह देंगे इंटीजरस। हुण तुसीं देख सकते जी एग्जाम्पल दे विच -3 माइनस, क्योंकि इधर तुसीं -4 भी जा सकते, -5 भी इस तरीके इधर 4 5। ठीक है, ये नंबर अगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जे ये माइनस भी आ जाए, 0 भी आ जाए, तो पॉजिटिव भी आ जाए, वो की होंगे ने इंटीजरस होंगे ने। तो ये की होगी सैट ऑफ पॉजिटिव इंटीजरस, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू मतलब जिनी भी वैल्यू आप जितों तक भी आप लिखने नंबरस वो सारे की होंगे पॉजिटिव इंटीजरस होंगे। तो सैट ऑफ नैगटिव इंटीजरस ये -1 तो स्टार्ट होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, तो जितों तक अं नंबरस लिखने ने। उस तो बाद आ जाते हैं सैट ऑफ ऑल नॉन नैगटिव इंटीजरस। सैट ऑफ ऑल नॉन नैगटिव इंटीजरस ये की ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव के आप 0 नहीं लिया, तो नॉन नैगटिव इंटीजरस के असी 0 इनकलूड कर लेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके कर लेंगे। ठीक है, नैक्सट आ जाते हैं ईवन एंड ऑड नंबरस। ईवन एंड ऑड नंबरस कि होंगे ने, ईवन की आप जेकर गल करिए, अकाउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ईवन नंबरस। ठीक है, ईवन नंबर उन्होंने कहेंगे। देखो हूँ जो मान लो 4 है, 4 2 के डिवाइड हो जाएगा, 2 2 के डिवाइड हो जाता है, 6 2 के डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिन्हें भी नंबर 2 के डिवाइड हो जन, जिहड़ा भी नंबर 2 के डिवाइड हो जाएगा उन्होंने आप ईवन नंबर कहेंगे। ठीक है, पंजाबी दे विच इन्हू शायद जिस्त नंबर कहिंदे ही। ठीक है, जिहड़े नंबर 2 के डिवाइड हो जाते हैं वो किहड़े नंबरस ने, वो ईवन नंबरस ने। नैक्सट आ गया ऑड नंबरस। ऑड नंबरस कि नंबर होंगे ने, ऑड नंबरस वो नंबर होंगे ने जो 2 के डिवाइड नहीं होंगे, जिदा 1 ने, 1 2 के डिवाइड नहीं होएगा, 3 2 के डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, 4 2 के अपना 5 2 के डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, अकाउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा बट की है साढ़ा जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन के आ जाएगा, जिदा 3 बाय 2 1.5। ठीक है, कह लो कि परफेक्ट डिवीजन नहीं इन्हें होएगी। ओके, ओड नंबर तो ईवन नंबर के फर्क की है, ईवन नंबर वो नंबरस ने जोड़े 2 के डिवाइड हो जाते हैं, तो जोड़े 2 के डिवाइड नहीं होंगे वो कि नंबरस ने, वो ओड नंबरस ने। नैक्सट आ गए प्राइम नंबरस। प्राइम नंबरस कि होंगे ने, यह भी काउंटिंग नंबरस ही होंगे ने,
काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर, के दो फैक्टर हो, केड़ा केड़ा, एक खुद वो नंबर हो ते एक वन हो। ठीक है, जो हम मान लो टू जरा टू से ही डिवाइड होएगा। ठीक है, तो यह फैक्टर तुम देख लो कि बन गया, एक टू आ एक वन है। ओके, तो ये एक गल नोट कर लियो कि जोड़ा टू ही कला इदा का ईवन नंबर है जोड़ा प्राइम नंबर है। जेकर क्वेश्चन तुम आ जाए कि वह कहड़ा नंबर है, किड़ा ईवन नंबर है जोड़ा प्राइम नंबर है, तो वह कि टू है, टू सब तो छोटा नंबर भी है प्राइम दे विच ते ईवन नंबर भी है। ठीक है, हुण नैक्सट आप गल करिए थ्री की, थ्री भी की है प्राइम नंबर है, क्योंकि थ्री जिहड़ा वा जां ते अपने टेबल ते डिवाइड हुंदा है ते जां वन दे नाल डिवाइड हुंदा है, मतलब उहदे फैक्टर भी जिहड़े बन गए वह थ्री इंटू वन ही बन गए। ठीक है, थ्री इंटू वन। हुण जे आप गल करिए फोर की, फोर टू दे नाल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इहदे फैक्टर टू इंटू टू हो सकते ने। ठीक है, नैक्सट फाइव सैवन इलेवन, ये जिन्हें भी नंबर मैं लिखे हुए आ, जिन्हें भी नंबर मैं लिखे हुए आ, ये सारे नंबर वा ये प्राइम नंबर ने, ये अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे ने, अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे। जिदा 23 आप 23 के नाल ही डिवाइड होएगा, 29 29 के नाल ही डिवाइड होएगा, उन्हों आपां होर किसी नंबर के नाल डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, हुण नैक्सट ये कुछ मतलब इंपोर्टेंट चीज़ा ने, जिदा हम एक तो लैके 25 दे विच किन्ने प्राइम नंबर ने, वो किन्ने ने 9, 26 तो लैके 50 तक किन्ने प्राइम नंबर ने, ये 6, जे 1 तो लैके 50 तक तुहानू पुछ लैणगे किन्ने प्राइम नंबर ने, तुसीं की दसोगे, तुसीं दसोगे 15, 9 ते 6 15, इस तो बाद 51 तो लैके 100 तक किन्ने प्राइम नंबर ने, 10, जे मान लो 1 तो लैके 100 तक जां 100 तक तुहानू पुछ लैण किन्ने प्राइम नंबर होणगे, टोटल 25 होणगे। ओके स्टूडेंट्स।